वेलकम बैक टू द ईयर ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हिंदी के लेक्चर में देखा था कि ये सेकंड चैप्टर देखा था, एक स्टोरी टाइप है जिसमें बदलू नाम का एक आदमी रहता है. ठीक है, वो क्या बनाता है, चूड़ियाँ बनाता था और उसकी चूड़ियाँ इतनी फेमस थी, इतनी उसकी बैंगल्स लाक की चूड़ियाँ बनाता था. उसकी चूड़ियाँ इतनी फेमस, अगर आप पिक्चर में देख सकते हो तो ये देखो, उसकी चूड़ियाँ इतनी फेमस थी कि बहुत सारी औरतें, गांव की सारी औरतें वहीं से चूड़ियाँ लेके जाता था. पर वो चूड़ियों का वो पैसा नहीं लेता था. ठीक है, पैसे में वो नहीं बेचता था, उसके बदले वो क्या लेता था, अनाज लेता था, ये सारी चीज़ें लेता था. बट लेकिन शादी के टाइम पे, जब शादी का कोई टाइम होता था तो शादी के टाइम पे वो सारी चीज़ें क्या कर लेता, जो अनाज से कम अनाज में जो जितनी चूड़ियाँ लेके जाता था. ठीक है, बट शादी के टाइम पे वो भरपूर वसूल लेता था, जैसे कि कपड़ा भी मिलता था, उसकी वाइफ के लिए पूरा कपड़ा मिलता था, सब जो सामान, सब चीज़ें रहती हैं लेडीज़ का, सबको सब मिलता था. इवन बदलू को भी पगड़ी मिलता था, अनाज भी बहुत सारे मिलते थे और साथ साथ में बहुत सारे पैसे भी उसको मिलते थे. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था. और बदलू क्या करता था, वो लाख की, बदलू किसके मामा थे, ये किसने लिखा है पोया, ये और स्टोरी किसने लिखा है, एनी आइडिया, ये स्टोरी किसने लिखा है, कमानाथना. ठीक है, कमतानाथ. तो कामतानाथ का क्या है, उसने उनको, उन्होंने वो बदलू इनके मामा थे, कामतानाथ के क्या थे, मामा थे. तो बदलू क्या करता था, छोटे 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 गोलियां, मतलब वो लाख के चूड़ियों के साथ साथ छोटे छोटे उसको मार्बल्स भी बना के थे, जिसे हम कंचे बोलते हैं. वो भी कंचे कैसे रहते थे, एक ही कलर के कंचे नहीं, क्योंकि चूड़ियाँ तो बहुत सारे कलर का बनाता था, तो वो भी बहुत सारे कलर्स के कंचे बना के और रोज कामनाथ को देता था. ठीक है, और बदलू कहाँ पे बैठता था, ऊंचे, उसका घर थोड़ा पहाड़ के ऊपर था, थोड़ा ऊंचा था, तो वहाँ पे एक सब बहुत पुराना पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक मछिया थी, जिसमें जो मछिया थे, जो रोप से बना होता है, छोटे छोटे उसके पाँव होते हैं. अगर आप पिक्चर में देखते हो, मैं आपको इधर भी एक मछिया बता देती हूँ, देखो ये जिसमें ये कामना थी, ये बैठा बच्चा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मछिया, क्या बोलते हैं इसको, मछिया. ठीक है, तो इस मछिए पे वो बैठ के ये सारी चीज़ें बनाता था. अगर आप पिक्चर में देखना चाहते हो तो सी, ये बदलू है और ये पुराना ट्री है उसका मछिया, साथ साथ में बनाते बनाते वो क्या पीता था, हुक्का भी पीता था, और भट्टी जलती थी और बेलना आकार के, सब साइज़ के अलग अलग लकड़े रहते थे. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, अभी हम नेक्स्ट आगे का देखेंगे क्या हुआ इसमें. ठीक है, पगड़ी भी मिलती थी और साथ साथ में उसको रुपए भी मिलते थे. यदि, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ हो जाती थी, वो कांच की चूड़ियों से, यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कूड़ उठता और कभी तो कभी दो चार बातें भी सुना देता था. क्या है, अगर उसको क्या, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना क्या दिया. देखो, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ होती थी, वो कांच की चूड़ियाँ, वो लाख की चूड़ियाँ, जैसे मेटल्स कैसे होते, लाख की वो अलग टाइप्स की चूड़ियाँ होती, ठीक है, थोड़ा मेटल्स में आता, और कांच की चूड़ियाँ कैसे रहती है, एकदम नाजुक रहती है, जो टूट जाती है. तो किसी भी लेडीज़ के हाथ में, गाँव की किसी भी लेडीज़ के हाथ में उसने अगर कांच की चूड़ियाँ देख लिया तो उसके लिए वो क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था. और वो मतलब जिस स्त्री के, जिस लड़की के हाथ में वो चूड़ियाँ देख लेता था तो वो क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, और अंदर ही अंदर इतना बोलता था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था, अंदर अंदर बोलते बोलते वो बाहर ही उस, मतलब मुंह पे ही उस औरत को सुना देता था कि तुम कांच की चूड़ियाँ क्यों पहने हो, ये वो सब सुना देता था. ठीक है, देखो, अंदर ही अंदर क्रूर होता था, गुस्सा हो जाता था, और कभी ना कभी दो चार बातें भी सुना देता. ठीक है, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, अथर से, लेखक से वो कितना घंटों बातें किया करता था. कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी मेरे शहर के जीवन के बारे में. ठीक है, तो कभी वो बदलू क्या करता था, और लेखक के बारे में, लेखक की लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आप शहर में कैसे लोग रहते, कहाँ रहते हो, किस तरीके से रहते हो, मतलब सब पूछता था. ठीक है, और मेरे घर के बारे में, या कभी कभी शहर के जीवन, मतलब सिटी लाइफ कैसी होती है, उस लाइफ के बारे में भी बात करता है. मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, जब लेखक बदलू को बोलता था कि शहर में सब कौन सी चूड़ियाँ पहनते हैं, कांच की,
तो वो उत्तर देता था, क्या उत्तर देता था, देखो क्या आंसर देता था, शहर की बात और है लाला, मतलब शहर की बात तो कुछ और ही, सिटी के लोग कैसे एकदम फैशनेबल्स रहते, अच्छे से तरीके से रहते, तो उसने बोला शहर की बात तो अलग ही है बच्चा, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें और मर्द का हाथ, औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहनने से तो मोच ना आ जाए। तो उसका देखो एक तरह से टॉन्टिंग वर्ड समझ में आ रहा है, कैसा टॉन्ट मारा है कि भाई शहर की जो लड़कियाँ हैं वो क्या करती हैं, वो कांच की चूड़ियाँ पहनेंगी ना, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो क्या हो जाएगा, उनका कलाई जो उनका व्रिस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम मोच आ जाएगी, वजन ज़्यादा होती लाख की चूड़िया में। और वहाँ की तो बात ही अलग है, सिटी की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैन एंड वुमेन, ठीक है, औरत और आदमी दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चलते हैं रोड पे, ठीक है। तो कभी कभी बदलू मेरी, यहाँ पे देखो क्या लिया है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है, ठीक है, मतलब उसके अच्छे से जो चाहिए वो देता था, जो खाने के पीने के लिए सब कुछ, अच्छी खासी खातिरदारी भी करता है, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होते वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, मतलब बदलू की जो गाय होती थी, गाय जब दूध देती थी तो वो दूध का मलाई भी वो लेखक के लिए बचा कर रखता। और आम की फसल में तो, ठीक है, जब मैंगो सीजन आता था, आम की फसल में मैं रोज उसके यहाँ दो चार आम खा आता, और आम के सीजन में लेखक क्या करता था, बदलू के यहाँ मलाई तो खाता था जब दूध होती थी, बट साथ साथ में आम का जब सीजन रहता तो आम के सीजन में वो दो चार आम बदलू के यहाँ खा के आता था लेखक। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता है वह था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना के देता है, ठीक है, खातिरदारी करता था, बातचीत करता था, सब कुछ करता था, ठीक है, अच्छे से बात करता था, जिस तरीके से उसको करना वो सब तरीके से बात करता था, और लेखक को खाने पीने। लेकिन लेखक वहाँ पे जाता क्यों था, मेन रीज़न उसका क्या है, वो किसके लिए जाता था, वो छोटे छोटे गोलियों के लिए जाता था, वो कलरफुल गोलियों, कलरफुल कंचे के लिए जाता, मार्बल्स के लिए वहाँ पे जाता था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है थोड़ी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आधे महीने वहाँ रह कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था, मतलब वो गांव का नाम क्या है, बहुधा, वहाँ पे वो चला जाता था, बदलू अपने मामा के घर, सॉरी, लेखक अपने मामा के घर पे चला जाता था, वहाँ पे जैसे वन एंड हाफ मंथ की छुट्टी होती है ना समर वैकेशन, तो जब तक स्कूल नहीं ओपन होता तब तक लेखक अपने मामा के यहाँ टाइम स्पेंड करके आता था, ठीक है, टाइम स्पेंड करके आता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ हो गया और होऊंगा तभी भी मेरे पिता एक दूसरे शहर से बदली हो गए। वो अपने मामा के यहाँ कैसे गया, दो तीन बार ही जा पाया, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या हो गए, उनके जो पिता थे लेखक के, जो फादर थे, वो फादर क्या, उनकी क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, बदली हो गई, दैट मीन्स ट्रांसफ़र हो गई। एक लंबी अवधि तक मैंने मामा के गांव न जा सका, काफ़ी टाइम तक, लंबी अवधि तक मतलब काफ़ी टाइम तक वो अपने मामा के यहाँ नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था, यहाँ पे देखो लगभग लंबी अवधि, फिर भी कितना हुआ टाइम, 8 to 10 years, कितना, 8 to 10 बस, जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई। अभी एक जगह आप रहते हो, फिर उसके 8-10 साल के बाद जाओगे तो हमारी आदतें, जो हमारी चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब वो 8-10 साल के बाद लेखक अपने मामा के गांव गया, तब उसमें वहाँ पे वो उसको लाख की चूड़ियाँ, जो गोलियाँ, उनका चूड़ियों से जो गोलियाँ बनती थी, वो गोलियाँ में अब लेखक को रुचि, मतलब अब लेखक को इंटरेस्ट नहीं रही। अंततः वह गांव में होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया, और वो गांव में हुए 8-10 साल के बाद जब वो गांव में गए तो उतना पे बहुत दिन रहे, ठीक है, लेकिन उसमें उनको बदलू का ध्यान नहीं आया, ठीक है, बदलू का ध्यान। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं,
तो उसने नोटिस किया कि सबके जितने सारे वहाँ पे गांव में लेडीज है सबके हाथ में कौन सी चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, विरले ही हाथों में, मतलब बहुत कम ही लोगों का मैंने लाख की, बहुत कम लोगों के हाथ में मैंने किसकी चूड़ियाँ देखी, लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, तो अचानक से उनको क्या किसका फील हुआ, बदलू का फील हुआ और उनके बारे में सोचने लगा। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूट कर उसकी कलाई में घुस गए। क्या हुआ था अचानक से उनको ध्यान भी कैसे आया था, उसकी मामा की जो लड़कियाँ थी, छोटी मामा की छोटी लड़की थी कांच आंगन में, मतलब जो बारांदा होता वो कॉरिडोर होता वहाँ पे खेल रही थी, तो उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी, तो वो गिर गई तो कांच की चूड़ियाँ उसके हाथ में टूट कर घुस गए, ठीक है, उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे न थे, लेकिन लेखक के मामा उस समय घर पे नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तब अचानक से लेखक को बदलू का ध्यान आया तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बदलू से मिलाऊं। अंततः शाम को मैं घूमते अंततः दैट मीन्स एट लास्ट वो शाम को इवनिंग के टाइम पे घूमते उसके घर चला गया। किसके घर चला गया, बदलू के घर पे चला गया। बदलू वही चबूतरे पे नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो बदलू क्या किया था, वही नीम का झाड़ जो पहले से जहाँ पे वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसी नीम के झाड़ पे वो बैठा था और एक खाट पे लेटा था, ठीक है। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा, क्या कहा, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा नमस्ते भैया, तो बदलू ने क्या बोला, नमस्ते भैया। मैं उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, ठीक है। आंसर तो दिया नमस्ते भैया, नमस्ते, जब लेखक ने बोला नमस्ते काका बदलू काका तो उसने बोला नमस्ते भैया, उसने खाट पे लेटा था, खाट पे से उठ के बैठ गया। और क्या हुआ, लेखक को थोड़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक उनको देखता रहा, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे। कौन नहीं पहचान पा रहा था, बदलू पहचान नहीं पा रहा था। तो लेखक ने क्या बोला, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तब लेखक ने किया, मैं हूँ जनार्दन, मतलब लेखक का नाम उस टाइम क्या था, जनार्दन। तो काका बदलू को, मैं जनार्दन हूँ काका और मैं आपके पास से गोलियाँ बना कर लेके जाता था। तब अपनी पहचान दी। बदलू फिर भी चुप रहा, बदलू क्या रहा, चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पलट पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। वो सोचने लगा था, बदलू सोचने लगा था, ये है कौन, ये मैं किसको लाख की गोलियाँ बना के देता था। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो फिर बोला, तब अचानक से उनको याद आए तो उन्होंने बोला ठीक है आओ आओ, जो पहले बचपन में लाला बोलते थे, लाल आओ लाला लल्ला बैठो, ठीक है आओ लल्ला बैठो और बहुत दिन बाद गांव आए। तो यहाँ हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तब वो चारपाई दैट मीन्स उस खाट पे जहाँ पे बदलू बैठता, उस खाट पे बैठते हुए लेखक ने आंसर दिया, हाँ वो काका मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। कुछ देर, यहाँ पे देखो क्या दिया, कुछ देर फिर शांति, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई न ही भट्टी। तो कुछ टाइम तक उन्होंने बैठे खाट पे, पर वो शांत रहे, एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं थे, वो शांत होके इधर उधर देख रहे थे। जब लेखक ने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ लेखक को कुछ नहीं था, जो पहले मच्छियाँ थी, हुक्का थी, भट्टी थी, नीम के झाड़ के नीम के पेड़ के नीचे, तो वो सारी चीज़ें अभी उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। आजकल काम नहीं करते काका, तब लेखक ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका, नहीं लल्ला काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। तो बदलू ने कहा, नहीं बेटा मेरा काम तो बहुत सालों से बंद है, क्योंकि अभी कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता, आपको सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर ही चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है,
ठीक है, तो लेखक चुप रहे। फिन बोला कि भाई मशीन से ये सारी चीजें बनती है ना, यह लल्ला आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है और लाख में कहाँ संभव है। तो वो सब मशीन से बनते हैं इसलिए कांच की चूड़ियाँ और सुंदर लगती है, लाख की चूड़ियाँ में फिर इतनी सुंदरता कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि उसको तो हमें हाथ से बनाना पड़ता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मन कहाँ नाजुक तो फिर होता ही है। ठीक है, मन क्या दिया है? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, ऐसा लेखक ने कहा। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। तो बदलू ने कहा कि हाँ लल्ला, कांच की चूड़ियाँ तो नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, ऐसा बोले तब तक उनको खांसी बहुत देर तक आने लगी। मुझे लगा उसे दमा है, लेखक को लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, मतलब टाइम के साथ साथ और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका शरीर पूरा अच्छा नहीं, थोड़ा वीक हो गया था। ठीक है, उसके हाथों और माथे पे नसें उभर आई थी, मतलब कि कैसे बूढ़े हो जाते हैं तो वीक हो जाते हैं, हमारे नर्व वेंस दिखने लगती हैं, तो सेम चीज़ बदलू के हाथ, सर पे, हाथ पे, ये सारे उनकी नसें दिखने लगी थी। जानने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दवा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो ये तो लेखक ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था, शायद बदलू को दमा है इसकी वजह से, क्योंकि सब एकदम वीक हो गए, सारे नस दिखाई दे रहे हैं। तब अचानक से बदलू ने क्या बोला, मुझे दमा नहीं है, बस ये फसली नॉर्मल खांसी है, 2-3 महीने से आ रही है, महीने दो महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, कौन चुप रहा? लेखक चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। तब मुझे फिर वो लेखक चुप रहा, लेखक सोचने लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति से रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो कौन लेखक ये सोचने लगा, मशीन तो साहब अभी क्या है, सब कुछ मशीन से बनता है। पहले लोग हाथ से बनाते थे तो कमा लेते थे, अपना घर चलाते थे। लेकर सोचने लगा कि मशीन युग, जो मशीन आ गए, मशीन से जब सब बनने लगे, तो जो लोग हाथ से सब काम करते थे, हाथ से जो चूड़ियाँ वड़ियाँ बनाते, तो ऐसे लोग कितने लोग हो गए जो बिना काम के हो गए, बेरोजगार हो गए। तो आप आम की फसल कब अब कैसी है? तो मैंने लेखक ने क्या पूछा कि काका आम की फसल अब कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया, अभी लाख की चूड़ियों के बारे में, उसके बाद उसने माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या पूछा, आम की फसल कैसी होती है? अच्छी है लल्ला, बदलू ने कहा अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुख्तवी होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद उनको याद आया, तो उन्होंने बोला कि माफ़ करना लल्ला कि मैं अपनी बेटी को जो बुलाया, बेटी है जाके आम लेकर आओ। तो फिर उन्होंने एक गिल्ट के साथ बोला, माफ़ करना भैया, सॉरी मैं आपको आम खिलाना भूल गया था बातों बातों में। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाया, ऐसा लेखक ने बोला। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाया। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो बदलू ने क्या बोला, ठीक है आमने तुमने तुम तुमने बहुत खाया, लेकिन बिना आम खिलाए मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है, मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाइया बचा कर रखता था। तो लेखक क्या हो गया, चुप हो गया। तो उनको वो अपने वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए कि जैसे बदलू काका, बदलू मामा ने
पहले वो क्या करते लाख की गोटियां भी देते थे, साथ साथ में खातिरदारी भी करते थे। खातिरदारी में गाय की दूध होती थी तो उसका मलाई बचा कर रहते थे और आम भी देते थे, तो उनको वो दूध की मलाई भी याद आ गई। गाय तो अच्छी है ना काका, तब उन्होंने क्या पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए। तो बदलू ने क्या बोला, लल्ला गाय नहीं है, गाय को तो 2 साल हो गए बेच दिए, कहाँ से खिलाता, काम तो चल ही नहीं रहा था, कहाँ से खिला। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई, डलिया दैट मीन्स एक टोकरी में बहुत सारे आम लेकर आया। यहाँ तो बहुत है काका, इतने कहाँ ये तो बहुत है, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। ठीक है, तो लेखक ने कहा आम इतना सारे पूरे बास्केट भर के, पूरा टोकरी भर के इतना सारा आम मैं कैसे खा पाऊंगा काका। तो वाह वाह हंस पड़े, ऐसा काका ने बोला। हाँ हाँ, तो उसका क्या हंस पड़े, शहरी ठहरे ना, अब तो शहर वाले हो गए, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुना आम एक बखत में खा जाता, मतलब मैं जब तुम्हारे एज का था। बदलू काका क्या बोले, जब मैं तुम्हारे एज का था तो इस टाइम में मैं एक टाइम में इसका 4 गुना, ठीक है, अगर समझो 4 आम है तो वो 12 आम एक टाइम में वो खा सकते थे, खाते थे या फिर खा सकते थे। ठीक है, आप लोगों की बात ही और है, मैंने तो फिर तो लेखक ने क्या बोला, आप लोगों की बात ही अलग है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। तो उन्होंने बदलू ने क्या बोला कि अपनी बेटी को रज्जो से बोला, ठीक है कोई बात नहीं, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। कौन से वाले देना, सिंदूरी वाले जो एकदम येलोइश होते, रेडिश कलर के, येलो रेडिश कलर के वैसे। ठीक है, लल्ला कैसे है, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है, ये आम खा के देखो, ये नया फल है, इस साल ही ये फल आए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए हाथों पर ठिक गए, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। तो वो रज्जो ने हाथ बढ़ाया, ठीक है 4-5 आम अच्छे अच्छे वो रेडिश कलर के 4-5 आम लेके जब वो लेखक की ओर बढ़ाया तो रज्जो की हाथ लेखक देखने लगे, तो वो देख रहे थे कि रज्जो की कलाइयाँ जो हाथ एकदम गोरे गोरे और उस पर लाख की चूड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थी कि पूछो मत। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बदलू ने तो का जो बदलू है उन्होंने लेखक की दृष्टि देख ली कि उनकी नज़र का बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। तभी बदलू ने क्या बोला लेखक को, ये लास्ट आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, ठीक है गांव के जमींदार जो होते उनकी बेटी के शादी पर ये बनाया था, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे तो मैंने जोड़ा नहीं दिया, मुझे सिर्फ 10 आने पैसे दिए, इतना अच्छा मैंने लाख की चूड़ियां बनाया था उसके लिए मुझे 10 आने दिए इसलिए मैंने वो जोड़ा नहीं दिया, और शहर से ले आओ, और कहा जमींदार को कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया, मैंने तो लेखक ने वहाँ से आम ले लिया और आम भी खाया, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हाहाकार हार कर भी हार नहीं मानी थी, मतलब बंद हो गई, लेकिन उसका जो एक था प्रॉपर पहले से कि हाँ जो उसने एम्बिशन अपना जो उसका मोटिव था जो उसकी रूल्स थे वो डिसाइड ही थे, भाई मैं इतने कम पैसे में शादी में तो नहीं लूँगा, जैसे हमेशा शादी में सब कुछ कपड़ा उपड़ा चाहिए रहता वैसे ही मैं लूंगा। तो ये देखे लेखक बहुत खुश हुए कि बदलू दुकान बंद हो गया, काम बंद हो गया सब, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तिगत कांच की चूड़ियां जैसा न था, आसानी से टूट जाता, मतलब बदलू का जो स्वभाव था इतना कमजोर नहीं था कि कांच की चूड़ियों जैसा वो उनका टूट जाए, ठीक है उनका विश्वास कांच की चूड़ियों जैसा टूट जाए। तो आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आज के लिए ये 2nd चैप्टर लाख की चूड़ियां हिंदी का कंप्लीट होता है।